नमस्कार, फोकाटोपीडिया के उसारा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज बात लोक कला बाजार की। जब हम लोग लोक कला बाजार की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में दिल्ली हाट की तस्वीर उभरती है, और जब हम विजुअल आर्ट मार्केट, कंटेम्प्रेरी आर्ट मार्केट की बात करते हैं या कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करते हैं तो लाडो सराय या हौज खास विलेज की तस्वीर उभरती है हमारे जहन में। कलाकार इन दोनों के बीच कॉमन हैं, एक तरफ लोक कलाकार हैं, दूसरी तरफ आधुनिक कलाकार या समकालीन कलाकार। देश के अन्य हिस्सों में भी इसका एक प्रतिरूप, इसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। अन्य जगहों पर भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इन दोनों के बीच जो कॉमन है वो है बाजार। एक बाजार हाट नुमा है और एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट है, और एक और चीज दोनों के बीच कॉमन है वो है खरीदार। खरीदार दोनों जगहों पर ही जाते हैं, उनकी उनका अपना अपना एक एक ब्रैकेट है, प्राइस ब्रैकेट है, कॉन्टैक्ट्स है, गैलरियों से कॉन्टैक्ट है, बाजार के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है, कलाकारों के साथ भी एक कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही चीज है। इसी पृष्ठभूमि पर दरअसल आज हम उसारा टॉक्स में बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे तय होता है ये प्राइस ब्रैकेट, कैसे तय होता है ये बाजार, और जो लोग इस प्राइस ब्रैकेट को, इस बाजार को तय करते हैं, वो कलाओं को कैसे देखते हैं। उनकी नजर में लोक कला, आधुनिक कला, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन वो खास तौर पे लोक कला को किस रूप में देखते हैं, इस पर चर्चा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। उनकी दृष्टि क्या है हमारे लोक कलाओं या पारंपरिक कलाओं को लेकर, हम कलाओं को कैसे देखें। और इस बातचीत के लिए आज हमने इनवाइट किया है मीना वर्मा जी को, जो आर्ट ऑफ द अर्थ गैलरी की, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ओनर हैं वो। एक अरसे से ये गैलरी एक्टिव है, लंबे समय से वो काम कर रही हैं। उनकी नजर वो चूंकि दिल्ली में हैं और जहां हैं वहां से आधुनिक कला बाजार और परंपरागत कला बाजार बिल्कुल अलग अलग नहीं है, तो क्या है उनकी राय, वो क्या किस रूप में देखती हैं इन सारे चीजों को। इन सारे विषयों पर हम लोग संक्षेप में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी कि सारी बातें आ जाएं, दिख जाएं, और जानने की कोशिश करेंगे कि कला को हमें किस रूप में देखना चाहिए, किन रूपों में देखना चाहिए, कला गैलरियों की नजर में किस रूप में आती है, कलाकार कैसे उपस्थित होते हैं। इन सारी बातों पर एक चर्चा, शुरुआत मीना जी से इसी रूप में कि सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपके, आपका फोकाटोपीडिया के उसारा टॉक्स में, और बहुत संक्षेप में आपके बारे में और आर्ट ऑफ द अर्थ गैलरी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, और उसके बाद फिर पूरी बातचीत हम लोगों ने जिस पे पहले बातचीत की हुई है कि हम लोग किस फ्रेमवर्क में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो बात आप रखें, फिर कुछ सवाल जवाब हम लोग आपके साथ रखेंगे। जी, मीना वर्मा जी। नमस्कार। मेरा नाम मीना वर्मा है। मैं आर्ट फील्ड में काफ़ी साल से हूँ। मैं स्टार्ट किए थे विद कंटेम्प्रेरी आर्ट। हमारी गैलरी कंटेम्प्रेरी आर्ट के हैं, जो मेरे हस्बैंड अभी भी चला रहे हैं आर्ट कंसल के नाम से। तो वो खैर अबाउट 30 इयर्स ओल्ड गैलरी है। फोक एंड ट्राइबल आर्ट मैंने शुरू किया था लगभग थोड़े 10 साल से, थोड़ा ऊपर हो गया। एंड द होल आइडिया ये था कि जैसे आप कह रहे थे कि फोक एंड ट्राइबल आर्ट इंडिया में बोलने से नॉर्मली पीपल दिल्ली हाट के सोचते हैं, और यू नो उसके उतनी अहमियत थी नहीं। स्पेशली अभी थोड़े बेटर है डेफिनेटली, बट 10-12 साल पहले आप देखेंगे तो फोक एंड ट्राइबल आर्ट की कोई वैल्यू, पीपल यूज टू लुक इट उसको आर्ट फॉर्म से ज्यादा वो क्राफ्ट फॉर्म मानते हैं, यू नो, एंड जी उसको आर्टिस्टिक तौर से वो दर्जा दिया ही नहीं, यू नो। सो मेरे आइडिया था उस टाइम खोलने का कि गैलरी स्पेस में दिल्ली हाट के एक जैसे प्लेटफॉर्म से निकाल के, क्योंकि फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। एवरी स्टेट, हर स्टेट के अपने अपने स्टाइल होता है,
आई थॉट कि वो आर्ट फॉर्म हम यू नो नॉर्मल फेयर्स और मेले से निकाल के एक गैलरी स्पेस में ले आए तो लोगों के पर्सपेक्टिव और देखने के नज़रिया कुछ अलग हो जाएंगे, उसके उनके आंखों में शायद वैल्यू बढ़ेंगे, यू नो. सो दैट वाज द होल आइडिया. बट मैं काफ़ी स्केप्टिकल थी जब मैंने शुरू किया, बिकॉज गैलरी चलाना बहुत एक्सपेंसिव काम होता है एंड फोक एंड ट्राइबल आर्ट के प्राइसेस उतने नहीं हैं जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट आर्टिस्ट के काम है. इवन अ मिडिल लेवल आर्टिस्ट के काम यू नो लाखों में बिकता है, बट फोक एंड ट्राइबल आर्ट इवन जो बेस्ट आर्टिस्ट हैं उनके मुश्किल से उस प्राइस अटेन कर पाते हैं. तो हमें गैलरी वायबल करने के लिए यू नो कमर्शियल गैलरी, तो हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है. बट आई सेड कि लेट मी जस्ट ट्राई इट एंड मैंने थोड़े थोड़े करके कलेक्शन तब स्टार्ट किए. पहले शुरू में मैं काफ़ी ट्रैवल करती थी यू नो टू डिफरेंट विलेजेस एंड ऑल दैट एंड मैं आर्टिस्ट से खुद जाके मिलके एंड आई यूज टू सी एंड सेलेक्ट बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि फोक एंड ट्रैवल आर्ट के लोगों की पर्सपेक्टिव बदलने के लिए उनको बेस्ट क्वालिटी वर्क्स शोकेस करके दिखाना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि कितने सुंदर सुंदर काम फोक एंड ट्रैवल आर्टिस्ट करते हैं, यू नो. सो ये गैलरी मैंने इसीलिए शुरू किया बेसिकली टू ब्रिंग इट ऑन द सेम, मैंने उसी प्लेटफॉर्म जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑन द सेम लेवल. इवेंचुअली टाइम लगेगा एंड आई वुड से सो शुरू में मुझे थोड़ा डर लगता था कि सिर्फ फॉरेनर्स मैंने क्लाइंटील कौन होंगे, इंडियंस तो खरीदते नहीं है या वो उतने वैल्यू में नहीं खरीदेंगे, तो सिर्फ फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंड करके यू नो गैलरी चलाना मैंने थोड़ा मुश्किल ही समझा. बट आई सेड कि लेट मी ट्राई. तो फॉर्चुनेटली अभी इतने 10 साल में मैंने देखा कि थोड़े थोड़े करके इवन लॉट्स ऑफ इंडियंस अभी खरीदने लगे हैं आर्ट वर्क्स को. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गैलरी, मैंने ऐसे ही शुरू किया था एंड अभी उसके बाद एग्जीबिशन हम करते रहे एंड गैलरी स्पेस के बाहर भी हम हैबिटेट सेंटर वगैरह में काफ़ी एग्जीबिशन हर साल करते रहे एंड ऑल्सो लास्ट ईयर मैंने अभी शुरू किया इंडिया आर्ट फेयर में. पहले बहुत पहले वो नहीं, इंडिया आर्ट फेयर में सिर्फ कंटेम्प्रेरी आर्ट ही करते थे, मगर 2-3 साल से उन्होंने डिसाइड किया राइटली सो दैट फोक एंड ट्राइबल आर्ट के भी एक सेक्शन रखना चाहिए. बट अगेन लेट मी टेल यू, वो मैंने किया था टू जस्ट एक्सपोज यू नो हर तरीके के आर्ट लवर्स, स्पेसिफिक आर्ट लवर्स आते हैं ग्लोबल, यू नो ग्लोबली पीपल कम, इवन बाहर के एग्जिबिटर्स आते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट के. सो आई थॉट ये अच्छा प्लेटफॉर्म होगा हमारे इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट शोकेस करने के लिए. तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, आप तो जानते ही हैं इंडिया आर्ट फेयर के बहुत ही पार्टिसिपेट करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है, बट स्टिल आई थॉट आई टेक द चांस. तो ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं यू नो आई हैव बीन टेकिंग द गैलरी फॉरवर्ड. तो अभी हम मैं बात करना चाहूँगी अबाउट फ्यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग एक गैलरी चलाने के, यू नो अलग फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, वायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेरे कलेक्शन में अभी भी मैं आई कॉन्ट से मेरे कलेक्शन कम्प्लीट है, अभी भी मैं खरीदती रहती हूँ अलग अलग स्टेट से. अभी भी नए नए आर्ट फॉर्म्स मैं डिस्कवर कर रही हूँ काफ़ी स्टेट्स के, और हमारे लाइक हमारे यू नो इन आर कंट्री हमारे इतना रिच फोक एंड ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशन है, कितने सालों से चल रहा है. यू नो कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड ऑल इज मोर अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो यू नो जस्ट स्टार्टेड ओवर द पास्ट आई वुड से कुछ ही साल, यू नो मे बी 50-60 ईयर्स से यू नो इट्स बिन पॉपुलर, और मे बी 70 odd years. बट उससे पहले तो फोक एंड ट्राइबल आर्ट की ट्रेडिशन ही चलता था. सो हर स्टेट में हमारे कुछ ना कुछ स्पेशल आर्ट फॉर्म, टेक्सटाइल फॉर्म, क्राफ्ट फॉर्म हर स्टेट के हमारे कंट्री में है, यू नो विच जो उसी स्टेट के स्पेशलाइज्ड है.
सो जैसे हम कहेंगे राजस्थान गुजरात के साइड से पिछवाई है एंड तांत्रिक आर्ट है वहाँ के, और आप वेस्ट बंगाल की तरफ ले लीजिए तो वो कालीघाट है वहाँ के, कालीघाट स्टाइल ऑफ वर्क, और बंगाल स्क्रोल स्क्रोल फॉर्म्स है एंड सो ये सब मैं थोड़े थोड़े करके कलेक्ट किया। साउरा उड़ीसा से, फिर उड़ीसा पटचित्र पूरी पेंटिंग ये सब उड़ीसा से है, फिर आंध्र प्रदेश से चरियाल पेंटिंग है और स्क्रोल पेंटिंग आंध्र प्रदेश के भी है, एंड कलमकारी वर्क है, गुजरात के भी मातानी पचेड़ी है, एंड सो ये सब थोड़े थोड़े काम मेरे कलेक्शन में आपको दिख जाएगा। सो एंड मैं डायरेक्टली आर्टिस्ट से ही खरीदती हूँ ऑलवेज, मिडिल लोगों से मैं खरीदती नहीं हूँ। एंड मैं मेरे मेन पॉइंट इज दैट क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं सेकेंड रेट काम बिल्कुल नहीं लेती हूँ एंड ऑल्सो मैं नाम के ऊपर मैं नहीं स्ट्रेस देती हूँ, बिकॉज आई फील दिस इज माई व्यू पॉइंट कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में नाम के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि आर्टिस्ट का नाम क्यों है, क्या है, राधर देन काम कितना अच्छा है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि फोक एंड ट्राइबल आर्ट भी इसी डायरेक्शन में जाए। दो कोई कोई ऐसे इनेविटेबल है, कोई आर्टिस्ट को ऊपर उठाया जाता है, कोई आई थिंक दैट इज कोई भी क्रिएटिव फील्ड में दैट इज इनेविटेबल। बट मैं ये कहूंगी कि आर्टिस्ट को अपने क्वालिटी ऑफ वर्क में स्ट्रेस देना चाहिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क एंड ऑलवेज क्लाइंट्स खरीदारी करेंगे। मेरे गैलरी से मुझे यही एक्सपीरियंस है अभी तक, दैट लोग आते हैं वो हाफ द नेम्स वो जानते ही नहीं है। आप चाहे अभी जाने माने भी जो हो गए जैसे जिव्या सोमा माशे वर्ली में है, उनका नाम हो गया है, ऑक्शंस में भी नाम आते हैं, बाहर भी उनका बहुत एग्जीबिशन हुआ है तो वो नाम कमाए हैं, या आप जनगढ़ सिंह शाम के को देखो जो बोन्ड आर्टिस्ट है, उनके भी काम का बहुत वैल्यू अभी बढ़ गया है। काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हमारे गैलरी में आते हैं वो सिर्फ आर्ट को देख के आते हैं, वो उनको नाम से कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ काम की क्वालिटी, उनको काम अच्छा लगा वो लेते हैं। सो मेनी ऑफ द फॉरेनर्स जो आते हैं उनको काम के बारे में पता है, बट ये आर्टिस्ट कौन है, वो आर्टिस्ट कौन है, उनको उसके उतने नॉलेज भी नहीं है, वो बॉदर भी नहीं करते ना। तो मैं भी ऐसे मैं सिर्फ नामी आर्टिस्ट को कलेक्ट करके उनको प्रमोट करूं, मैं वो नहीं करना। मैं बल्कि नए नए आर्टिस्ट को जो मुझे लगता है उनके काम बहुत अच्छा है और उनको ड्यू नहीं मिल रहा है तो मैं उनको प्रमोट करती हूँ। जैसे आप देखेंगे गरीबा गरीबा सिंह टेकाम एक गोंड आर्टिस्ट है, तो उनके मैंने देखा काम मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा लगा, और वो जैसे मेले में जैसे दस्तकार हुआ या दिल्ली हाट हुआ ऐसे जगह मैं उसके काम देखती थी, मैं मेरे ऐसे ही मुलाकात हुई उनसे। फिर मैंने उनको बोला कि ये मेले वेले में आप थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि वहां से आपका आपके प्राइस बढ़ाना चाहते हो, आप थोड़ा एक्सक्लूसिव होना चाहते हो, तो मैं आपको हैंडल कर रही हूँ, आप गैलरीज में दे दो, बट ये हर मेले में जाना हर जगह जाना ये आप बंद कर दो। जैसे दस्तकार आई वुड से स्टिल एक क्वालिटी मेला है, क्योंकि वो संस्था बहुत काम करते हैं फोक एंड ट्राइबल आर्ट के लिए, बहुत प्रमोट करते हैं, और वो भी क्वालिटी के बारे में काफ़ी ये है स्ट्रेस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। हमारे वही चेष्टा होना चाहिए कि एक एक उस लेवल कंटेम्प्रेरी आर्ट के लेवल तक आप उसको लाना चाहते हैं, ऑन पार उसी प्लेटफॉर्म में आप चाहते हैं कि लोग देखें, तो आपको अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऊपर करना पड़ेगा और आई वुड से क्रिएटिविटी। फोक एंड ट्राइबल आर्ट के अंदर
पैरामीटर के अंदर ही आप रहिए, बट आपको थोड़ा अपने क्रिएटिव एलिमेंट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए यू नो लोगों की परसेप्शन है कि फोक एंड ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट फॉर्म है, यू नो फोक पेंटिंग्स ज्यादा क्राफ्ट फॉर्म है रादर देन एन आर्ट फॉर्म, बिकॉज उसमें एक ही चीज दोहराते जाते हैं जो वो इतने यू नो ट्रेडिशनल इज वेरी गुड ऑफकोर्स, उसी स्टाइल में भी आपको करना चाहिए. आप यू नो कुछ आर्टिस्ट मैंने देखा है फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट की, वो कंटेम्प्रेरी वे जाना चाहते हैं मगर वो फिर अपने स्टाइल भूल जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए. यू नो आप जैसे मधुबनी में कर रहे हैं, आप मधुबनी के स्टाइल में ही कीजिए, बट आप सब्जेक्ट्स कुछ नया कीजिए. जैसे हम आप एक स्लाइड दिखाएंगे, एक आर्टिस्ट है अविनाश करण जो मधुबनी आर्टिस्ट है और मधुबनी परंपरा में ही वो सीखे हैं, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनके घर में सब आर्टिस्ट हैं, सिस्टर सब मधुबनी आर्टिस्ट हैं, मगर वो फिर आगे जाके कंटेम्प्रेरी आर्ट भी सीखे. सो वो बहुत अच्छी तरीके से कंटेम्प्रेरी और फोक आर्ट की एक रिप्रेजेंटेशन किया है. हम आपको सुनील जी आपको अविनाश करण की एक स्लाइड दिखाएं तो प्लीज, तो आप उसमें देखिएगा उन्होंने जूट क्या बोलते हैं जूट कपड़ा जूट कपड़े में किया है एक काम. हम आपको दिखाएंगे नटराज जो बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन सब्जेक्ट है एंड उन्होंने अपने और मधुबनी स्टाइल में ही किया है मगर उन्होंने अपने स्टाइल में किया और आप देखिए कितना कंटेम्प्रेरी है. ये काम मैंने इंडिया आर्ट फेयर में मैंने डिस्प्ले किया था और बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिला इस काम के लिए. यू नो सो आर्टिस्ट को आई फील इफ यू आपको आगे बढ़ना है और आप यू वांट कि आप ये फोक एंड ट्राइबल आर्ट का यू नो फील्ड आर्ट लवर्स और आ जाए और खरीदे और कलेक्टर्स खरीदे, तो एक ही चीज बार बार दोहराना बंद कर देना चाहिए. ये आप देख रहे हैं ये मधुबनी स्टाइल में किया हुआ है जूट के कपड़े में है और ये नटराज का डिपिक्शन है एंड ये ऑल्सो एट द सेम टाइम ये बहुत कंटेम्प्रेरी लगता है. यू नो सो मैं इसीलिए मैं ये यू नो मैं सब आर्टिस्ट को बोलूंगी आपको अपने क्रिएटिव एफर्ट भी आप डाल के देखिए, जो काफी सारे आर्टिस्ट अभी कर भी रहे हैं, विच ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हार्टनिंग बात है कि काफी सारे, मगर ऐसे मैंने खिचड़ी मत बनाइए. एस्थेटिकली देखने में अच्छा लगना चाहिए. यू नो सिर्फ कंटेम्प्रेरी करने के लिए आप कंटेम्प्रेरी आप ये देखिए एकदम ट्रेडिशनल है सो ये भी सुंदर है मगर थोड़े से कुछ इसमें कंटेम्प्रेरी भी करते हैं. तो अभी जैसे ये वर्क्स जो एकदम ट्रेडिशनल है, कोई कलेक्टर खरीदेगा तो कितना खरीदेगा, एक ही जैसे काम वो बार बार तो नहीं खरीदेंगे. यू नो सो कलेक्शन कोई आर्ट कोई आदमी बोले कि ठीक है हम फोक एंड ट्राइबल आर्ट की कलेक्शन करेंगे या एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के कलेक्शन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली अलग अलग टाइप ऑफ वर्क्स चाहिए. यू नो जी मिथिला का एक चित्र और था आपने भेजा है. हाँ हाँ वो हाँ हाँ जैसे ये है, ये एक और आर्टिस्ट है अजीत झा, ये भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट है. तो ये एकदम अपना मधुबनी स्टाइल में कर रहे हैं जैसे आप देखो, मगर उनके जो टॉपिक्स वो जो लेते हैं वो बहुत टॉपिकल करंट इश्यूज में करते हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे यू नो गंगा का पोल्यूशन का हो. तो वो ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे आप ट्रेडिशनल स्टाइल में अपने सब्जेक्ट्स आप चेंज करिए. यू नो अपने इनपुट्स अपने आप जो देखते हैं आप इनपुट में करिए. अनदर थिंग आई फील जहाँ यू नो आप फोक एंड ट्राइबल आर्ट को उसी दर्जे में लाना चाहते हैं जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट हो. अभी कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक काम एक ही बार करते हैं, जैसे ना जैसे एन ओरिजिनल, माने जैसे एक कलेक्टर या कोई भी एक आर्ट वर्क ए आर्टिस्ट का
10 लाख के लिए खरीदें। ही नोज वो 10 लाख देने के लिए इसीलिए तैयार है क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा काम वो दोबारा नहीं करेगा, यू नो, सो दे डोंट माइंड लाइक 50 लाख दिया एक काम के लिए, उनको पता है कि वो दोहराया नहीं जाएगा। मगर फोक एंड ट्राइबल आर्ट में क्या है कि वो काम बिकॉज ट्रेडिशनल काम है वो दोहराया जाता है। यू अंडरस्टैंड माय कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई नहीं चाह, अभी मैं बहुत प्राइस दे के कोई चीज खरीदूं तो मैं नहीं चाहूंगी कि वैसे 10 पेंटिंग वो आर्टिस्ट बनाया और 10 लोग, तो वो एक्सक्लूसिविटी नहीं होती है, यू नो। कंटेम्प्रेरी आर्ट में दैट इज अनदर प्लस पॉइंट कि आर्टिस्ट दोहराते नहीं है काम, जो आई कैन अंडरस्टैंड दैट फोक एंड ट्राइबल आर्ट में ऐसे होना मुश्किल है। आई मीन ऐसे नहीं हो सकता कि एक आर्टिस्ट कोई भी फोक एंड ट्राइबल आर्ट के वो एक ही बनाए। जैसे गरीबा के जो हमने आप गरीबा के वो लायन वाला जरा प्लीज दिखाएं। जी दिखा रहा। तो जैसे गरीबा का ये एक उसके सिग्नेचर वर्क हो गया है, और कोई आर्टिस्ट ऐसे और कोई गोंड आर्टिस्ट ऐसे काम नहीं करते हैं। ये एकदम उसके वो लायंस के आप देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये गरीबा का काम है, यू नो। सो उनका एक ट्रेडमार्क स्टाइल हो गया, तो उसी में वो थोड़ा वेरिएशन करते हैं और मैं उनको एनकरेज करती हूँ। एंड ऑल्सो मैं इंटरफियर मैं सजेशन दे सकती हूँ कि बट मैं इंटरफियर नहीं करती हूँ मैं आर्टिस्ट के काम में, आई नेवर डू। मैं आर्टिस्ट को बोलती हूँ आप अपने आप बनाओ, अपने मन से आप बनाइए जो बनाना है, यू नो। आप बेशक मुझे छोटे छोटे स्केचेस या उसमें बना के आप मुझे दिखाएं और मैं आपको बता दूंगी कि मुझे कौन सा काम इसमें से अच्छा लगता है और वो आप मेरे लिए बना के लीजिए, यू नो। सो बट मैं नहीं उनको मैं उनको डिजाइन नहीं देती हूँ या मैं नहीं बोलती हूँ कि ये बनाओ वो बनाओ, यू नो। जैसे ये काम है देखिए, आप इतना कंटेम्प्रेरी है और इसमें इतने बारीक काम है, एंड ये अगेन बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे गैलरी में जब लोग आते हैं, चाहे फॉरेनर्स हो चाहे इंडियंस हो, दोनों को अपील करते हैं ये काम, यू नो। एंड इसके वेरियस वर्जन्स, 1 लाइन, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, यू नो, फैमिली, ऐसे काफी गरीबा ने इसी सीरीज में मुझे बनाकर दिया है। सो लाइक आई वाज टेलिंग, मैं जैसे आपको बता रही थी पहले गरीबा के, तो वो मैंने उनको बोला कि आप ये हर मेले में जाके बैठना जरा बंद कर दीजिए, इफ नहीं तो क्या होता है कि मैं अपने गैलरी में रखूं तो ऑब्वियसली मैं प्राइस थोड़े बढ़ा के ही रखूंगी, ठीक है, विच इज लाइक आई सेड मेरी कमर्शियल गैलरी है, मेरे गैलरी के एक्सपेंसेस बहुत है, मुझे गैलरी के एक्सपेंसेस कवर करना है। हाँ, तो आर्टिस्ट को क्या होता है कि वो जब वहां मेले में बैठते हैं तो उनके ओवरहेड्स तो कुछ होता नहीं है, यू सी। सो ही जो काम वो वहां 25 के वो बेच सकता है, तो मैं जब अपने गैलरी से वो बेचूंगी, मैं डेफिनेटली 75,000 की बेचूंगी बिकॉज मुझे अपने रेंट कवर करना है, यू नो, एवरीथिंग कवर करना है। एंड मैं इनसे सब मैं काम खरीदती हूँ, मेरे कलेक्शन में जो काम है मैं कंसाइनमेंट में ना के बराबर, मैं बहुत ही कम कंसाइनमेंट में रखती हूँ। मैं मेरी कोशिश यही होता है कि मैं आर्टिस्ट को इमीडिएटली पैसे दे दूँ ताकि उनके भी ये नहीं कि उनको वेट करना पड़े, काम 1 साल में बिके, 2 साल में बिके, 5 महीने में बिके, कोई गारंटी नहीं है, यू नो। सो हमारे अरेंजमेंट आर्टिस्ट के साथ अच्छा ही चलता है। मैं आर्टिस्ट को बताऊंगी फ्रॉम द क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं क्विकली थोड़ा आपको अलग अलग स्टाइल्स के जरा आपको मैं दिखाना चाहूंगी जो मैं बता रही हूँ फ्रॉम माय कलेक्शन। ओके, सो मीनवाइल जब तक, हाँ, तो ये आप देखिएगा शुरू से मैं थोड़े थोड़े हर स्टाइल के एग्जांपल्स आपको दिखाने के लिए लिए। पहला जो आप देखेंगे
थोड़ा बड़ा कर सकते हैं तो प्लीज। हाँ हाँ मैं बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। नो प्रॉब्लम तो कह रही हूँ। तो मैं वही बोलू तो जो आर्टिस्ट के मैं काम रखती हूँ, मेरा कोशिश है कि मैं थोड़े थोड़े करके उनके प्राइसेस बढ़ाऊँ। तो अभी जैसे इवन कुछ कुछ ऑक्शन हाउसेस जैसे सैफरन आर्ट, काफी अच्छा कोशिश उनकी रही है फोक एंड ट्राइबल आर्ट को थोड़े उठाने। वो ऑक्शंस करते हैं, उनके भी सिलेक्शन बने, वो बहुत पर्टिकुलर है क्वालिटी के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। तो वो हर अभी तो काफ़ी मैंने हर 2 महीने 3 महीने में वो ऑप्शंस करने लगे हैं और उसमें काफ़ी मैंने ग्लोबली पूरे दुनिया से लोग बिट करते हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स उनको मिलता है। तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ जी ये स्लाइड्स ऑन हो गए। अच्छा ओके सो ये फर्स्ट वाला आप देखिएगा, ये बंगाल स्क्रोल है, इट्स अ टिपिकल बंगाल स्क्रोल। तो अभी कुछ कुछ आर्टिस्ट आप देखेंगे कि बंगाल स्क्रोल में भी वो ये सब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। ये जैसे माछिर भी ये बोले बोलते हैं ये कि फिश के शादी उसका डिपिक्शन है ये, जो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं बंगालीज में फिश का सिंबल। तो वो ये स्क्रोल उसके ऊपर है। तो वो अलग अलग सब्जेक्ट पहले तो करते थे, रामायण एंड ऑल दैट यू नो, और उनके जो भगवान के लेजेंड्स मोस्टली करते थे, क्योंकि ये स्क्रोल पेंटिंग्स बेसिकली कोई भी स्टेट में आप देखो वो ऑडियो विजुअल माने पिक्चर विक्चर तो थे नहीं तब, तो आर्टिस्ट ये बनाते थे और उनके साथ गाने वाले कोई होते थे नहीं, तो आर्टिस्ट खुद गा के स्टोरी बताते थे और ये एक एक करके पिक्चर लोगों को दिखाते थे। दैट वाज अ पर्पस जो स्क्रोल पेंटिंग के। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आप देखिए कितना कंटेम्प्रेरी लगता है। ये एक स्क्रोल आर्टिस्ट है मोंटू चित्रकार बोल के, जिससे हम डील करते हैं। तो ये वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है, ये बनाते हैं जस्ट सिंगल, वो स्क्रोल के तरीके से नहीं, जस्ट सिंगल पेंटिंग बनाते हैं ऑफ दिस काइंड ऑफ टाइगर्स, अलग अलग बहुत बहुत सुंदर बनाते हैं। दिस अगेन बहुत कंटेम्प्रेरी है, सो इवन फॉरेनर्स आके बहुत इसे कनेक्ट करते हैं इस पेंटिंग से। अगला स्लाइड दिखाइए। ये देखिए अब ये भज्जू श्याम गोंड आर्टिस्ट है। तो ये आप देखिए कि ये कितने कंटेम्प्रेरी गोंड स्टाइल में किया है, मतलब कितने कंटेम्प्रेरी काम किया है। बट ऑफकोर्स जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं, आई विल सी लाइक भज्जू है एंड कुछ और आर्टिस्ट है जैसे जिव्या सोहम आशे थे। अब इन लोगों का एडवांटेज क्या हुआ इज दैट जैसे भज्जू भी जिव्या भी ये सब विदेश में जाने का उनका चांस मिला, उनका वहाँ एग्जीबिशंस करने का चांस मिला, उनका अलग गैलरीज प्रमोट किए या इंडिविजुअल्स प्रमोट किए। ये भी भज्जू का काम है। अब ये देखिए गोंड स्टाइल में मगर कितना कंटेम्प्रेरी काम है, यू नो, जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को भी अपील करेगा, इंडियंस को भी अपील करेंगे। जो कोई भी कंटेम्प्रेरी घर पे यू नो पीपल डोंट माइंड बाइंग एंड putting a work like this, you know. So वैसे मैं कह रही थी ये आर्टिस्ट जो है चंद आर्टिस्ट उनके यू नो आर्ट को देखने का तरीका बदल गया क्योंकि वो बाहर गए, वो और भी दूसरे आर्टिस्ट और आर्ट से प्रभावित हुए, उनसे एक्सपोज हो गए, वो देखे, तो उनका आर्ट को देखने का नजरिया ब्रॉडन हो गया, चेंज हो गया, तो उन्होंने वो अपने आर्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो हर आर्टिस्ट ऑफ कोर्स मैन यू नो विदेश में जा नहीं सकते, ये नहीं करते, मगर आजकल सबको इंटरनेट के सुविधा है, सब आर्टिस्ट गूगल करके यू नो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को देख सकते हैं और अपने आइडियाज़ को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो है ये ट्रेडिशनल कलमकारी है जो अभी भी वो नेचुरल डाइज अपने बनाते हैं, यू नो अलग अलग फूल एंड यू नो हर्ब्स एंड सो मेनी थिंग्स मैंने देखा हुआ है।
बनाते हुए, और ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है उनका, शिवप्रसाद रेड्डी, उनका काम है ये, और ये यूनेस्को अवार्ड भी मिला था इस काम को। आगे हाँ, ये भी कलमकारी है, मगर ये देखिए फिर सब्जेक्ट इज डिफरेंट। ये पद्मश्री अवार्डी है गुरप्पा शेट्टी, तो ये आप देखिए ये नॉर्मल गॉड्स वो सब्जेक्ट नहीं है। सो दिस इज अनदर थिंग मैं जो आपसे कहना चाहूंगी आर्टिस्ट से जो ये देख रहे हैं, कि आपको गॉड्स का जैसे ट्रेडिशनली फोक एंड ट्राइबल आर्ट हर स्टेट में सब सब्जेक्ट्स मोस्टली भगवान के ऊपर होता है, यू नो डिफरेंट स्टोरीज भगवान के ऊपर, या रामायण या सब मोस्टली, आई मीन मोस्ट ऑफ जो आप देखेंगे हर स्टेट का वो सब भगवान। सो यू नो सबको ही, आजकल के जो मॉडर्न हाउस होल्ड्स होते हैं सबको ही भगवान के पिक्चर यू नो अपने ड्राइंग रूम में और यहाँ लगाना नहीं चाहते। सो अगेन मैं कहूँगी जैसे सब्जेक्ट्स अलग कीजिए, जो भगवान के अलावा आप यू नो आप लाइक करंट टॉपिक्स कीजिए, या नेचर के ऊपर कीजिए, या अलग अलग जो जिसमें भगवान का इतना डिपिक्शन ना हो। दिस इज अनदर वे कि आप ज्यादा पेंटिंग सेल कर सकते हैं। ये कालीघाट स्टाइल है, इट्स अ टिपिकल कालीघाट पेंटिंग, एंड जैसे कि आप जानते हैं जामिनी रॉय इसी स्टाइल से प्रभावित होके काफी उनके काम में कालीघाट का इन्फ्लुएंसेस है। ये भी कालीघाट है, ये केरला म्यूरल स्टाइल आर्ट फॉर्म है जो टेंपल के वॉल्स में करते हैं। सो ये हाँ, ये तो हमने दिखाया आपको मधुबनी, ये उड़ीसा के पटचित्र है, ये भी पटचित्र है, बट इसकी क्वालिटी देखिए बहुत ही सुंदर। अब ये उड़ीसा पटचित्र को वो लाइन दिखाएं जरा प्लीज, या ये किसी आर्टिस्ट, किसी पटचित्र का आर्टिस्ट नहीं, ये लाइन का मूर्ति बनवा के उन्होंने उसके ऊपर पटचित्र क्या पेंटिंग किया। सो इट इज अ लिटिल डिफरेंट, यू नो लोगों को एक अलग तरीके से आर्ट फॉर्म प्रेजेंट किया गया। सो दिस अगेन बहुत पॉपुलर है, मेरे गैलरी में यू नो काफी अप्रिशिएट करते हैं। ये अब पिछवाई है विराट रूप। अब इसके सब देखिए आप लुक एट द क्वालिटी ऑफ वर्क, यू नो तो हमारे फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट के काम इतना बढ़िया है, एंड इतना फाइन काम देखिए कितना सुंदर बनाया, यू नो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल काम है। आप देखिए इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्क, इसके डिटेलिंग देखिए आप, यू नो सो हमारे आर्टिस्ट नो डाउट यू नो इंडिया में वी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारा इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है और इतने सुंदर काम करते हैं आर्टिस्ट, उनको थोड़ा सा थोड़ा सोच उनको अपना ब्रॉडन करना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि यू नो काफ़ी अच्छा चलेगा आगे। अगले स्लाइड जरा देखें, और ये भी पिछवाई है। अब ये देखिए इसमें भगवान के हटा के, ये भी ट्रेडिशनल है क्योंकि ये काउस को दिखाया है ऐसा रिप्रेजेंटेशन, कृष्णा के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, बट जैसे ये सब कोई भी कंटेम्प्रेरी घर में जा सकता है, यू नो सो ये सब काम बड़े मेरे गैलरी में पॉपुलर है, लोग काफी ये भी पिछवाई है, ये भी पिछवाई, बट ये अगेन सी भगवान नहीं है, सो अगेन पीपल डोंट माइंड पुटिंग इट। इन फैक्ट मेरे क्लाइंट इसको अपने ऑफिस में लगाया है, यू नो अब भगवान होता वो ऑफिस में लगाने या घर पे लगाने, यू नो पूजा रूम में ठीक है, बट भगवान के फोटो पीपल डोंट वांट टू पुट। अब ये देखिए ये भी ट्रेडिशनल काम है, ये नथद्वारा टेम्पल का बोलते हैं नक्शा है, आई मीन इट मे नॉट रियली बी बट दिस इज अ ट्रेडिशनल यू नो नथद्वारा टेम्पल का नक्शा। अब ये देखिए ये तेयम का, तेयम काफी लोग जानते नहीं है कि जी। सब केरला में कथकली का डांस फॉर्म वो जानते हैं, मगर तेयम का, तेयम आई वोंट से एग्जैक्टली डांस फॉर्म नहीं है,
बट ये एक टेम्पल रिचुअल का पार्ट ऑफ द रिचुअल है, यू नो, एंड ये ऐसे कथकली में डायरेक्टली आर्टिस्ट के मुंह में पेंट करके फिर वो करते हैं, ये भी ऐसे ही है, तैयम का वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो वो आर्टिस्ट के मुंह में डायरेक्टली पेंट करके तो वो करते हैं। अब ये देखिए, ये एक वर्ली के आर्टिस्ट है, बट देखिए ये कितना कंटेम्प्रेरी काम अपने मन से, ये ट्रेडिशनल काम नहीं है, बट वो वर्ली के सारे एलिमेंट्स, जैसे वो बर्ड्स जो आपको दिख रहा है नीचे, आप देखेंगे सब, यू नो, इवन सम ऑफ द वो कुछ ट्रीज का, हाँ, तो ये सब एक नरेश बोया करके एक वर्ली के आर्टिस्ट है, और वो वर्ली वही वही अपने विलेज में रह के काम कर रहे हैं और ट्रेडिशनल वर्ली के काम ही करते हैं, बट ये अभी वो थोड़ा कंटेम्पराइज करना शुरू कर दिया, एंड सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज। आप ये देखेंगे तो बस वो बर्ड्स वगैरह, ये ट्रीज वगैरह वर्ली का फॉर्म्स ही है, मगर उसने अपने आइडिया डाल के एक कंटेम्प्रेरी टाइप वर्क किया है। सो या, और कैन आई सी द नेक्स्ट वो, और ये देखिए, ये सावरा के हैं, ये एकदम टिपिकल सावरा, उड़ीसा से सावरा का काम है, ट्राइबल काम, कोरापुट आगे, ये भी सावरा का काम है। और ये देखिए वर्ली, ये ट्रेडिशनल वर्ली है, मगर देखिए कितना कंटेम्प्रेरी लुक है इसका, ट्रेडिशनल काम है ये। अमित डोमरे बोल के एक आर्टिस्ट है, और इनके सब देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क इज सो गुड, इनका हाथ इतना अच्छा है, इनकी क्वालिटी, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ क्रिएटिव होने से भी नहीं चलेगा, पहले चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ काम, जो हाथ का फाइननेस है, वो पहले आर्टिस्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, और उसके वो प्राइमरी, कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे फोक एंड ट्राइबल आर्ट हो, चाहे कंटेम्प्रेरी आर्ट हो। अब ये देखिए, ये ट्रेडिशनल काम है मगर कितना कंटेम्प्रेरी है, ये तो फॉरेनर्स तो एकदम ये देख के वो हैरान हो जाते हैं, एंड इतना फाइन काम है, आप इसमें शायद उतना आपको दिख नहीं रहा है, मगर ये इतना फाइन काम है, ये बिल्कुल नेट, देखिए ये एकदम नेट लगता है, और ये ब्रश से नहीं, वो कोई ट्विग से करते हैं, और देखिए कितना सुंदर उन्होंने फाइन काम किया है। सो यू नो, जैसे मैं कह रही थी, चाहे कंटेम्प्रेरी आर्ट हो, चाहे फोक एंड ट्राइबल आर्ट हो, या कोई आर्ट फॉर्म, पहले आपका ड्राइंग और जो यू नो ड्राइंग का जो स्किल है, क्वालिटी है, वो बढ़िया होना चाहिए। यू नो, जैसे कोई भी आप किताब लिखना चाहे, आपको लैंग्वेज का ग्रामर, चाहे अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, लैंग्वेज का ग्रामर जब तक ठीक नहीं होगा, आपका फिनिश प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा। तो उसी तरीके से कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, सो उसी तरीके से पेंटिंग में, जब तक आपका ड्राइंग का ग्रामर ठीक नहीं है, आपका प्रोपोर्शंस ठीक नहीं है, यू नो, तब आपका फाइनल आर्ट वर्क जितने भी क्रिएटिव हो, वो उसका जो देखने का एस्थेटिक वैल्यू चला जाता है। तब देखिए कितना सुंदर और कितना डिटेल्ड काम है, और जैसे ये काम यू नो ये साइज होगा शायद 4x5 के करीब कपड़े में है, और ये बैकग्राउंड जो आप देखेंगे, ये एक्चुअल गोबर को पानी और कुछ गम मिला के यू नो करते हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स में भी करते हैं, तो सेम वे, तो दैट इज व्हाट द बैकग्राउंड इज, एंड जो वो पेंट है वो तो ऑफकोर्स पोस्टर पेंट है वाइट, वो ट्रेडिशनली वो राइस पेस्ट यूज करते हैं, बट ये इसमें चिपकता नहीं है कपड़े में, वो फ्लेक करता रहता है, तो वो पोस्टर पेंट यूज करते हैं, मगर इसके आप डिटेलिंग देखें कि कितना सुंदर है। तो ये 4x5 काम, 4x5 feet का है, एंड यू नो ये कंटेम्प्रेरी काम होता तो एंड थोड़े जाने माने मिडिल लेवल के भी आर्टिस्ट होते, तो दिस वर्क वुड नॉट हैव बीन लेस देन 3-4 lakhs आप यू नो जो होगा, बट दिस आर्टिस्ट दो हैज बीन वर्किंग एटलीस्ट मेरे ख्याल से 25-30 साल की तजुर्बा है इनको, बट ये मैक्सिमम मैं आई विल सेल इट फॉर नॉट मोर देन अबाउट 55,000 rupees, यू नो, ओके, सो बट ऐसे ही काम आप
पहले 10 साल पहले देखें तो वो मुश्किल से 10,000 के रुपए के लिए, और उतने भी नहीं शायद बिकता। तो थोड़े थोड़े करके इम्प्रूव हो रहा है, पीपल डोंट माइंड यू नो पेइंग 50,000 1 लाख फोक एंड ट्रैवल आर्ट के लिए भी। एंड कुछ कुछ आर्टिस्ट ऑफकोर्स लाइक चंडगढ़ एंड ऑल, आप ऑप्शन फॉलो करेंगे तो उनका तो छोटे छोटे काम अभी लाखों में जा रहा है ना, तो वो टाइम लेगा। एंड आई वुड फील दैट अभी देखिए पिछले 10 साल में आप देखेंगे, मैंने जब शुरू किया सिर्फ मेरे ही फोक एंड ट्राइबल आर्ट का गैलरी था, आई विल से इन इंडिया सो फार एज आई नो, कोई एक्सक्लूसिवली फोक एंड ट्राइबल आर्ट का गैलरी कोई था नहीं। कोई कोई कमर्शियल गैलरी थे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट करते हैं, साल में एक बार कुछ उन्होंने गोल्ड का कर दिया या कुछ कर दिया, बट अभी इवन गैलरिस्ट जो कमर्शियल गैलरिस्ट है उनको समझ में आया है कि फोक एंड ट्राइबल आर्ट में भी पैसा कमाया जा सकता है और वो भी कमर्शली वायबल कर सकता है। तो काफी सारे यू नो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, बट कंटेम्प्रेरी गैलरीज, बट कोई एक्सक्लूसिवली फोक एंड ट्राइबल आर्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट या जो कर रहे हैं जितने मेरे मैं जानती हूँ जिन जिनको, वो कंटेम्प्रेरी आर्ट भी कर रहे हैं और फोक एंड ट्राइबल आर्ट भी कर रहे हैं। यू नो हो सकता है उन्होंने दूसरा प्लेटफॉर्म खोला हो फोक एंड ट्राइबल आर्ट के लिए, बट एक्सक्लूसिवली फोक एंड ट्राइबल आर्ट कोई अभी तक कर नहीं रहा है। एंड बट जैसे आई सेड कि मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, काफ़ी और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लोगों को और इंटरेस्ट हो रहा है, तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बट थोड़े थोड़े करके इट विल कम अप। तो और कुछ आपको एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? एक तो मैं यही समझना चाह रहा था कि हमारे यहाँ आपने बहुत बहुत बढ़िया कलेक्शन शोकेस किया है, अभी भी आर्टिस्टों तक पहुंचने की प्रवृत्ति कम है गैलरियों में, गैलरी आर्टिस्ट के उसके प्लेस पर जाकर नहीं देखने की कोशिश करता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर कहीं पिछवाई का कोई कम्युनिटी कर रहा है तो हम कितनी बार उनको विजिट कर रहे हैं, या वो जो विलेज जैसे मधुबनी में है या गोंड अब चर्चित हो गया है इसलिए संभव है कि वहां लोग जा रहे हो, लेकिन कितने गोंड कलाकार बाहर आ रहे हैं, उन जगहों पर पहुंचने से क्या अन्य कलाकारों के लिए भी संभावनाएं नहीं खुलती हैं बजाय इसके कि कुछ? जी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप जो आप बोल रहे डेफिनेटली, एंड इसलिए मैं बोली हूँ जैसे मैंने जब शुरू किया मैं जाती थी टू द प्लेसेस जहां वो, मैं बस्तर भी गई हूँ, यू नो ओडिशा फर्स्ट मैं जाती थी, बंगाल में उनके विलेजेस में मैं जाती थी, बर्ली आर्टिस्ट जहाँ काम करते हैं उनके वहां जाती थी, सो ये सब सो दैट मैं सब आर्टिस्ट के काम देख के मैं बेस्ट क्वालिटी आर्टिस्ट चुन सकूं। हाँ बट अभी मुझे वो ज़रूरत पड़ती नहीं है, तभी मैं कोई जैसे नए जगह नए कुछ आर्टिस्ट से मिल रहा है तो मैं चली जाती हूँ, बट बाय एंड लार्ज बिकॉज अभी देखिए सब आर्टिस्ट भी कंप्यूटर सेवी हो गए, सबके पास स्मार्टफोन है, सो लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से पता चलता है कि सो एंड सो पर्सन खरीदते हैं काम, कि इनका गैलरी है तो वो फोक एंड ट्राइबल आर्ट में डील कर रही हैं, तो फिर वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं, मुझे पिक्चर्स भेज देते हैं, या अभी ये लोग जैसे मैंने बताया दस्तकार में आते हैं, या कोई प्रगति मैदान में कुछ उनका वो होता है तो वहाँ आते हैं, सूरजकुंड मेले में आते हैं, यू नो तो मैं उस जगह में सब जाके मैं आर्टिस्ट के काम देख के भी मैं नया आर्टिस्ट को देख यू नो के साथ मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे जैसे कोई वर्ली के आर्टिस्ट मेरे पास आ गया तो वो अपने विलेज के 10-12 और आर्टिस्ट के काम ले आते हैं, यू नो सो इवन जैसे बंगाल स्क्रोल हमारे एक आदमी आता है विलेज से और वो पूरे विलेज के काम ले आते हैं, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत, हर आर्टिस्ट के काम हमारे पास आ जाता है। बट यू आर राइट आई मीन एंड आजकल काफ़ी ऐसे एनजीओस टाइप है जो जैसे बंगाल में आई नो कि एक दो एनजीओ है जो वो विलेज में ही वो मेला टाइप साल में एक बार कर लेते हैं, एंड उस पर्टिकुलर विलेज का जितना आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स है वो शोकेस करते हैं और बहुत लोग जाते हैं, यू नो एंड जैसे दिनाजपुर के उस तरफ मास यू नो डिफरेंट वो बहुत सुंदर मास बनाते हैं तो उसके वो मेला करते हैं, काफ़ी सारे लोग जाते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल गो। सो ऐसे कोई एनजीओस भी कुछ
यू नो करने से, जैसे बंगाल में कर रहे हैं, अदर स्टेट्स में भी कुछ कुछ वो करे, तो लोग जरूर जाएंगे, पीपल विल गो, बिकॉज लोगों को अभी फोक एंड ट्रैवल आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है. एंड दिस इज ये अच्छा तरीका है इंडियंस को एजुकेट करने के लिए अबाउट. सी आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि ये एक और बहुत दुख की बात है, आई विल से दैट मेरे एक्सपीरियंस में जितने फॉरेनर्स आते हैं जी मेरे गैलरी में, यू नो एग्जीबिशन, जब मैं एग्जीबिशन डालती हूँ वो, या ऑस्कर्स में है तो काफी फॉरेनर्स आते हैं तो वो ऐसे ही देखने के लिए आ जाते हैं, तो उनको इतना नॉलेज है इन हमारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में. एंड वेरी सैड टू से दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो आते हैं उनको कुछ वो जानते ही नहीं है कुछ. ये बहुत दुख की बात है. इसी सवाल पर मैं दरअसल आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या रही, क्यों हमारे यहाँ लोग हमारी कलाओं के बारे में कम जानते हैं, विदेश में बैठे लोग हमारे यहाँ हमारी कलाओं के बारे में ज्यादा जानते हैं? Because that's what I'm saying. See, because यहाँ एक तो I feel that our government doesn't ये उसको इतनी अहमियत नहीं देती, you know, about educating people about their own. हमारे स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए. आप कला शिक्षा की बात कर रही हैं, कला शिक्षा नीति की बात कर रही हैं? हाँ जी, यू नो जैसे जब स्कूल लेवल, जैसे विदेशों में आप देखिए, विदेश स्कूल्स अब्रॉड, उनके करिकुलम में होता है टू उनके देश के आर्ट एंड क्राफ्ट्स और यू नो के बारे में सीख लें, उनको ये सिखाया जाता है स्कूल के लेवल पे ही, उनको म्यूजियम्स दिखाने ले जाते हैं. अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट म्यूजियम कल्चर उतना है ही नहीं, यू नो, और जो म्यूजियम्स है उसको उतनी अच्छी तरीके से वो स्ट्रेस नहीं करते हैं, वो रखते नहीं है. एंड फोक एंड ट्रैवल आर्ट का तो एक्चुअली है ही नहीं. आप देखिए तो फोक एंड ट्रैवल आर्ट का है, क्राफ्ट म्यूजियम है जो काफी सारे लोग हमारे यहाँ जानते ही नहीं. आई डोंट नो दिल्ली में रह के कितने लोग क्राफ्ट म्यूजियम देखने गए, जो दो आई मीन इट वाज अ ब्यूटीफुल म्यूजियम डॉक्टर जैन ने बहुत ही अच्छा काम किया है पुटिंग दैट टुगेदर, यू नो. सो बट काफी सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, यू नो. एंड इवन डिफरेंट स्टाइल्स, आई मीन स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते हैं कि क्या क्या अलग आर्ट फॉर्म्स है, अलग मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम, उन लोगों को मधुबनी और गोंड शायद वो जानते हैं बिकॉज दिल्ली आर्ट में जाने से उनको उतना तो पता चला, बट उसके अलावा उनको कोई भी अदर स्टाइल्स के बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं है, यू नो. और वो कुछ कमेंट मारेंगे कि अरे ये तो मेरा बच्चा भी बना लेगा, यू नो. दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट दे हैव. बट फॉरेनर्स को इतना नॉलेज है क्योंकि वो उनको आर्ट में यू नो बचपन से इनमें इंस्टिल किया जाता है अ लव फॉर आर्ट, जो हमारे बच्चों को और समाउ ट्रेडिशनली उतना हम स्ट्रेस नहीं डालते ऑन आर्ट, यू नो, एट द स्कूल लेवल. तो जब तक आप उस लेवल पे उनको वो इंटरेस्ट आपके उनके अंदर जगाएंगे नहीं, फिर उनको उतना इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता है, यू नो. दैट्स व्हाट आई फील. यहाँ एक और सवाल है कि सरकार तो बहुत पैसे खर्च कर रही है लोक कलाओं को प्रमोट करने के लिए, क्या कभी उन गैलरीज से या आपसे भी कभी बातचीत होती है गवर्नमेंट से कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, नथिंग दैट हैज हैपेंड सो फार. एंड एंड जो लोग आप जो बोल रहे हैं फोक एंड ट्रैवल आर्ट के लिए, आई विल से ओनली ऑफ लेट, यू नो, जब हम ग्रो अप, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मैंने तो कोई फोक एंड ट्रैवल आर्ट के म्यूजियम विजिट ही नहीं किया, कोई था ही नहीं, यू नो. एंड अभी जैसे भोपाल में दैट्स अनदर ब्यूटीफुल, गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी गुड जॉब वहाँ के जो म्यूजियम है भोपाल में, बहुत ही सुंदर तरीके से भी बनाया, उनका कलेक्शन भी बहुत सुंदर है. सो ऐसे बने मोर यू नो म्यूजियम्स दे नीड टू क्रिएट. ये स्कूल करिकुलम के पार्ट ऑफ द करिकुलम होना चाहिए टू गो टू दीज म्यूजियम्स, उनको सिखाना चाहिए अलग अलग स्टाइल्स के. एंड उनको शायद एक कमेंट भी आ रहा है, आप अगर उस पर कुछ बोलना चाहें. नीड टू सर्च न्यू एरियाज अदर देन पॉपुलर एरियाज और प्लेसेस,
देन वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ फोक आर्ट्स. और एक और कमेंट है, ऑल दो इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट डिड यू एवर डू फोकार्टोपीडिया आर्टिस्ट कैंप? एक्चुअली ये हम लोग कला पर काफी डिस्कस करते हैं, ये विपिन कुमार हैं, कंटेम्प्रेरी वर्क करते हैं, और हम लोग बातचीत करते हैं कि क्यों नहीं हम ऐसे कलाकारों को गांव देहात से बाहर ला करके कैंप पे इस तरह की चीजें प्लान करें, जो जिनको मौका नहीं मिलता और जिनके काम बहुत अच्छे हैं, जो गैलरीज के लिए ही नहीं बल्कि कलेक्टर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. क्या इस तरह की कोई संभावना बनती है आप लोगों के साथ? नहीं नहीं बिल्कुल, आई एम वेरी ओपन टू द आइडिया. वर्कशॉप्स में इनफैक्ट मुझे इस साल समर में कुछ वर्कशॉप्स करने का आइडिया था, बट ऑफ कोर्स मैं कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन. बट अगले साल से आई एम प्लानिंग, बिकॉज एज इट इज समर मंथ्स में गैलरी में भी थोड़ा क्वाइट हो जाता है, यू नो, बिकॉज गर्मी है, क्लाइंट ज्यादा नहीं आते. सो दैट एंड प्लस बच्चों का स्कूल बंद होता है तो वो भी बोर हो जाते हैं, एंड वो टाइम उनको मिलता है कुछ और अदर देन द स्टडीज कुछ और करने का. तो मेरे प्लान था कि समर में हर साल, आई होप नेक्स्ट ईयर आई कैन डू इट, मैं 2 or 3 डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के वर्कशॉप, यू नो, 4-4, 5-5 दिन कोई आर्टिस्ट को बुला के ऑफ दैट आर्ट फॉर्म, जैसे गोंड आर्टिस्ट है, गोंड वर्कशॉप है, गोंड आर्टिस्ट को बुलाऊं, या सांझी जो कटवर्क काम है तो उसके उसके यू नो कोई आर्टिस्ट को बुलाऊं 3-4 दिन उनके, एंड एवरीवन, बच्चे हो या एडल्ट हो, सब कोई जो जो जिसको दिलचस्पी है वो आके सीख सकते हैं, एंड एट अ वेरी नॉमिनल फी. सो ये मेरा डेफिनेटली प्लान है. कैंप का एक्चुअली मेरा व्हाट आई वांटेड टू डू एंड विच आई होप आई कैन डू इस, मैं एक कैंप करना चाहती थी विद कुछ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और कुछ फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट को लेके, ताकि दोनों ईच अदर के स्टाइल देख के एंड फिर वो कुछ कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं, यू नो. सो एंड देन उसके बाद मैं उसका उन आर्टवर्क्स के मैं एग्जीबिशन करने का प्लान है. आई विल डू दैट. मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कुछ अच्छी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट जिसका काम, यू नो, इकट्ठे जा सकता है. सो लेट मी सी, वो तो पाइपलाइन में है, तो होपफुली वो कर सकेंगे. और बाकी कुछ और सजेशंस? ये बात इसलिए आई क्योंकि हम लोगों का भी एक प्लान है कोहबर एंड द सिमेट्री. द सिमेट्री को लेकर के एक आइडिया ये था कि हम लोग कंटेम्प्रेरी और फोक को एक साथ रख करके बात करें ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट ऑन इक्वल लेवल. ये एक सवाल है क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और फोक के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स का है, बहुत ऊपर नीचे का है. फोक बहुत नीचे छूटता है, कंटेम्प्रेरी अपने आप को बहुत आगे मानते हैं. ये एक एक कॉमन परसेप्शन है. जबकि मैं ये मान रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले आपने एक बात की कि मिड कैप के जो आर्टिस्ट हैं उनका काम भी जिस लेवल पे बिकता है, आज भी हमारे अच्छे कलाकार फोक का काम नहीं बिकता है. थोड़ा सा मतभेद है लेकिन कुछ हद तक सच्चाई भी है. एक और सवाल आया, आपने एक चर्चा की कि इंडिया आर्ट फेयर में आपकी गैलरी पहली गैलरी थी जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया फोक को लेकर के. एक और चीज है उसी इंडिया आर्ट फेयर में कि विदेश की कई गैलरियां वहां भारतीय कलाकारों को, लोक कलाकारों को ऑलरेडी जगह देती रही हैं, हमारे यहाँ वहां उनकी उपस्थिति न होने की वो वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या गैलरियां जिनके पास काम है वो भी एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही, जबकि बंगाल के साथ ये नहीं है. दिल्ली आर्ट गैलरी सारी चीजें उठा करके वहां रखता है. पिछले दक्षिण से भी कुछ गैलरीज आ रही हैं जो वहां के लोक कलाकारों को रख रही हैं. पूर्व से गैलरियां कम दिखती हैं, या पूर्व का रिप्रेजेंटेशन, ईस्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखता है. कुछ वजह? जी, ईस्ट इंडिया में देखिए आर्ट फॉर्म्स अदर देन बंगाल, आर्ट फॉर्म्स उतने ज्यादा आर्ट फॉर्म्स नहीं है, क्राफ्ट फॉर्म्स बहुत है. अब बिकॉज मैं बेसिकली क्राफ्ट में, मेरी गैलरी
मैं क्राफ्ट में बहुत कम डील करती हूँ और मेरे स्ट्रेस है पेंटिंग्स के ऊपर। सो ईस्ट में आप देखेंगे तो ईस्ट में उतना ज्यादा आप चाहे मणिपुर नागालैंड एनी ऑफ दीज प्लेसेस आप देखें पेंटिंग्स का परंपरा उतना उनका वहां नहीं है। इट्स मोर ऑन क्राफ्ट टेक्सटाइल्स यू नो पॉटरी तो ये सब है जिसमें मैंने शोकेस बिकॉज गैलरी में बहुत लिमिटेड स्पेस है तो मैं बहुत क्राफ्ट में यू नो वॉल स्पेस है बट यू नो पॉटरी और ये सब रखने के लिए मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। तो दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन आई फील दैट ईस्ट का कम रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज उनका पेंटिंग फॉर्म कम है। डू यू एग्री विद मी? पार्शियली मैं एग्री करता हूँ लेकिन एक और बात मैं ये यहाँ पे रख रहा हूँ कि कहीं इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ चूंकि प्राइस उनको कम मिल रहा है और विदेशों में प्राइस ज्यादा मिलता है तो वो अपना काम विदेशी गैलरियों को विदेशी म्यूजियम्स को या विदेशी कलेक्टर्स को देना पसंद करती हैं इंस्टेड ऑफ कि हमारी गैलरीज या हमारे जो आर्ट कनोशर्स हैं उनके पास वो कम पहुंचते हैं। Also be of course. I mean, from their point of view, जहाँ उनको ज़्यादा price मिलेगा, वो तो वहीं जाएंगे. So, which is you know fair enough. So yeah, but यहाँ जैसे price है, वो वैसे ही है. You know, you cannot expect the same kind of वही price जो बाहर मिलता है, वो यहाँ expect नहीं कर सकते. जैसे recently एक मधुबनी artist का काम मुझे अच्छा लगा, और वो she is used to dealing only with the West. वहां के कुछ म्यूजियम्स उनके खरीदते हैं या यू नो तो वो प्राइसेस ऐसे मुझे हाई बता रही थी तो मैंने बोला देखिए हम तो आप वेस्ट के वेस्ट में जो आपको प्राइसेस मिलते हैं वो आप मुझे बताओ तो वो मेरे लिए वायबल नहीं होगा क्योंकि मैं उतने प्राइस में आपसे खरीदूं और मैं क्या प्राइस में बेचूंगी। सी आई नीड टू एड अ प्रॉफिट एंड आप ऐसे जो यहाँ प्राइस में मैं बेच ही नहीं सकती हूँ उसी प्राइस आप मुझे कोट करोगे तो मैं उसके तो वो वायबल नहीं तो उनसे फिर मैंने खरीदा नहीं। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बिकॉज देखिए ऑब्वियसली वेस्ट और यहाँ के मार्केट के प्राइस तो बहुत ही डिफरेंट होगा सो नॉट एक्सपेक्ट सो दैट इवन द आर्टिस्ट शुड बी रीजनेबल उनको भी समझ में आना चाहिए कि वैसे प्राइसेस उनको यहाँ मिलेगा नहीं यू नो सो। और एक आखिरी सवाल कि गैलरियां भी अब लोक कलाकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगी हैं उस केस में एक सवाल ये उठता है कि क्या बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनको एक स्पेस की जरूरत है जिनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है वो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म को अफेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए नए कलाकारों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अब एक आइडियल है उस आइडियल को आपको फॉलो करना है जो ट्रेडिशनल आर्ट या जो हमारा फोक आर्ट है उसके उसका जो लाइन लेंथ है उसको डिस्टॉर्ट करता है कहीं ऐसा आपको लगता है? सी नॉट रियल बिकॉज फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स आई डोंट नो आई मीन मैं तो कभी किसी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं बट उनके भलाई के लिए आई टोल्ड देम कि अच्छा आप हर मेले में जाके मत बैठिए यू नो इफ यू गिव और हर गैलरी में आप मुझे भी दो 10 और गैलरी में भी दो तो मैं जो एफर्ट डाल रही हूँ टू प्रमोट यू तो फिर मैं उतने एफर्ट नहीं मैं डालने का कोई मुझे रिटर्न्स चाहिए। यू सी आई एम कमर्शियल आई एम नॉट एन एनजीओ सो बट मैं बांध के नहीं रखूंगी कि आई विल नॉट टेल यू दैट यू नो तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वर्क मैं तुम्हारे प्रमोट कर रही हूँ तो ये स्टाइल किसी को मत देना बाकी तुम अपने काम जिसको भी दो ये स्टाइल एक्सक्लूसिवली मैं प्रमोट करूंगी उसके प्राइस सो दैट इज देयर बट अदर देन दैट आई डोंट नो लाइक वेदर एनी गैलरीज हैव आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट मैं जानती नहीं हूँ कि ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि सो आई एम नॉट श्योर। थैंक यू वेरी मच क्योंकि कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मुझे लगता है कि सामने आई आपके जरिए जो हमारे लोक कलाकारों को जानना समझना चाहिए और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि आप खुद एक गैलरिस्ट हैं तो गैलरी का नजरिया क्या होता है काम को लेकर के खासतौर पर जब हम लोक कला की बात करते हैं जहां हमारे लोक कलाकार कोई शर्त रखने की स्थिति में नहीं होते हैं कंटेम्प्रेरी के साथ तो कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक शर्त रख भी पाते हैं लोक कला में तो वो स्थिति नहीं आई है अभी। बहरहाल
इस अच्छी बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो कलाकार जुड़े हैं वो मीना जी की बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ऑफकोर्स ये बातचीत अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर, बाद में भी देखा जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी समय देने के लिए, और मैं बाकी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।